यशपाल सिंह है, मैं रिटायर्ड टीचर हूँ। एजुकेशन डिपार्टमेंट में मैंने लगभग 30 वर्ष तक सेवा की है। मेरे को नियर अबाउट 2016 और मार्च 2017 में मेरे को अचानक चलने फिरने में तकलीफ़ होने लगी और पाम जो है एडी वाला वो नीचे नहीं लगता था, तकलीफ़ होती थी। तो उस समय मैं बड़े द्वंद में हो गया कि पता नहीं कोई झटका लग गया या ऐसे अपने अंदाजे लगाने लगा। तो हम गंगानगर में रहते हैं, ग्रामीण परिवेश से हैं, तो हम गंगानगर में हमारे जो डॉक्टर साहिबान थे उनसे संपर्क किया। उन्होंने अपने हिसाब से एक्सरे वगैरह करवा कर ट्रीटमेंट दिया, कैल्शियम वगैरह दी और साथ में पेन किलर चला दी। इसी बीच हुआ क्या कि जैसे ये मैं पेन किलर लेता था तो अचानक मेरे को मार्च 2017 में ये ट्रीटमेंट शुरू किया गया और ये 26 दिसंबर 2017 को मेरे को हार्ट अटैक हो गया और 2 जनवरी 2018 को मेरे को फिर वो स्टंट वगैरह ट्रीटमेंट करवाना पड़ा। तो इस प्रकार से वो हार्ट का तो ट्रीटमेंट हो गया लेकिन चलने फिरने में उसी प्रकार परेशानी बनी रही कि अब समझ नहीं आ रहा था कि अब कौन सा इलाज कराएं, कहां से कराएं। लेकिन टेबलेटों के सहारे काम चलता रहा, पेन किलर से या दूसरी कैल्शियम वगैरह से चलता रहा। लेकिन एट लास्ट आखिरकार तकलीफ़ काफ़ी बढ़ गई और उन दोबारे एक्सरे वगैरह कराए तो वहाँ हमारे डॉक्टर साहब हैं, उन्होंने राय दी कि इसका रिप्लेसमेंट करवाना पड़ेगा। और जैसे उन्होंने ये बात कही तो बड़ा मन को तकलीफ़ आई, डर लगा कि अभी हार्ट का ऑपरेशन करवाया है, अब ये दोबारा संकट आ गया। लेकिन जब ये फैसला हो गया, डॉक्टर की राय आ गई कि रिप्लेसमेंट के बिना कोई इलाज ही नहीं है, तो उसके बाद हमने एक दो जगह और भी वो उसके एक्सरे की रिपोर्ट भेजी, उन्होंने भी ये कह दिया कि ये रिप्लेसमेंट ही करवाना पड़ेगा। तो हमने, हमारे यहाँ मित्र रहते हैं गुरचरण सिंह जी मौर साहब, उनसे भी राय ली हमने, तो उन्होंने बताया कि यहाँ राजस्थान के टॉप मोस्ट डॉक्टर बगड़िया जी हैं और उनसे आप संपर्क करो, अपने ही साथियों की परिवार में से कुछ रिप्लेसमेंट करवाए हैं कुल्ले के, तो वहाँ उनके आप राय लो, उनसे संपर्क करो। यहाँ आए तो डॉक्टर साहब ने दो स्पष्ट राय दे दी कि आपको ये कोई ज़्यादा परेशान अब होने की ज़रूरत नहीं है, आप सही जगह आ गए हो, ये जो है रिप्लेसमेंट ही होगा। आपके हार्ट के ऑपरेशन हुआ है तो हमारे जहाँ हार्ट के डॉक्टर साहिबान हैं वो भी साथ रहेंगे और उनको अपने चेकअप करा देते हैं। और फिर ये राय बनी कि आप जब भी ऑपरेशन करवाना हो तो 5 दिन पहले ये टेबलेट छोड़ देना, डिप्लेट खून पतला करने वाली, और उसके बाद आप आ जाना तो कर देंगे। फिर 5 दिन बाद हम आ गए तो उसके बाद डॉक्टर साहब ने हमें एडमिट कर लिया 21 जनवरी 2018 को, और 22 जनवरी 2018 को मंगलवार के दिन हमारा ऑपरेशन हो गया। और उसमें जो पार्ट्स डालने थे उन्होंने, डॉक्टर साहब ने मेरे बेटे को सारे पार्ट्स वगैरह की जानकारी पहले उनको दे दी थी कि इसके 4-5 पार्ट्स होते हैं और उनको अपने डाला जाएगा। तो हमें बड़ा विश्वास बनाकर और हमारा ये ऑपरेशन किया गया। अब मैं निवेदन करना चाहता हूँ, जितने भी हमारे साथी हैं, समाज के लोग हैं जो मेरी बात को सुन रहे हैं, उनसे ये निवेदन करना चाहता हूँ कि हम अक्सर जानकारियों के अभाव के कारण सही ट्रीटमेंट नहीं करवाते और अपनी तकलीफ़ शरीर को तकलीफ़ देते रहते हैं, भुगतते रहते हैं। और जो ये इलाज है कुल्ले का, ये समय पर, और घुटनों का, इनका समय पर इलाज बहुत बढ़िया उपलब्ध है, तकनीक उपलब्ध है, इनका रिप्लेसमेंट हो जाता है और छोटा ऑपरेशन हो जाते हैं माइनर, तो ये करवा कर हमारा जो जीवन है वो सुखी हो सकता है, पुण्य पुराने जीवन जैसा एक्टिव हो सकता है, हम काम काज में हिस्सा ले सकते हैं और समाज में एक उपयोगी इंसान बनकर समाज की सेवा कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।